छात्र कक्षा 12वीं के व्यावसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम आज अध्ययन कर रहे हैं इकाई 6 में अध्याय 10 प्रशिक्षण एवं विकास के अंतर्गत प्रबंध विकास मैनेजमेंट डेवलपमेंट। प्रबंध विकास क्या है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वर्तमान के आधुनिक समय में जो है प्रबंध विकास जो है वो मानवीय संसाधन का जो है एक महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे आज कि प्रबंध और विकास क्या है। ये प्रबंध विकास जो है ये एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम एक कर्मचारी के उसके ज्ञान उसके कौशल उसकी बुद्धि का हम विकास करते हैं ताकि वो बेहतर ढंग से अपनी योग्यता का अपनी क्वालिफिकेशन का बेहतर से बेहतर ढंग से उपयोग कर सके और उपक्रम का विकास कर सके। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रबंध और विकास जो है प्रबंध विकास वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ क्या है इसका, प्रबंध विकास का अर्थ क्या है। प्रबंध विकास जो है प्रबंध प्रशिक्षण एवं विकास की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। प्रबंध जो है प्रबंध प्रशिक्षण एवं एक एवं विकास की क्या है एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के ज्ञान कौशल एवं दृष्टिबोध प्राप्त करता है। अर्थात एक क्रम के अंदर जो वो काम करने जा रहा है उस कार्य को करने से संबंधित संपूर्ण ज्ञान कौशल किस प्रकार से वो बेहतर ढंग से उसको कार्य को कर सकता है और एक नया नजरिया दृष्टि प्राप्त करता है। उसका प्रयोग जो है प्रबंधकों कर्मचारियों एवं कार्य संगठनों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रबंध करने में करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक व्यक्ति के ज्ञान उसके कौशल में वृद्धि करना और जिसका प्रयोग जो है प्रबंधक और कर्मचारी जो है बहुत बेहतर ढंग से कार्य कर सके। तो इसके प्रबंध विकास के जो दो तरीके हैं, नंबर एक प्रबंध प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं उनमें प्रभावी एवं बुद्धिमत्ता ढंग से भाग लिया जाए। अब यहाँ पर प्रबंध प्रशिक्षण के अंतर्गत हम जो भी कार्यक्रम संचालित करते हैं सेमिनार आयोजित करते हैं उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने के लिए जो भी कक्षाएं आयोजित करते हैं उसमें चाहिए कि जो भी प्रबंधक हैं जो भी कर्मचारी हैं वे सभी प्रभावपूर्ण ढंग से भाग लें और अपने पूरे तन मन से उस प्रशिक्षण शाला में विकास शाला में भाग लें। दूसरा जो है कार्यरत स्थान पर जो कार्य वातावरण दिया हुआ है उसके अनुभव के आधार पर प्रबंध की तकनीकों को समझा जाए। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु जो है कि कार्यरत स्थान पर जो कार्य का वातावरण दिया हुआ है अर्थात जहाँ पर ये विकास शाला आयोजित है वहाँ पर जो है अनुभव के आधार पर प्रबंध की तकनीकों को बेहतर ढंग से प्रबंधक और कर्मचारी उसको समझें। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक व्यक्ति के ज्ञान उसके कौशल में उसको एक नई दृष्टि प्रदान करना प्रबंध विकास कहलाता है। इसके बाद प्रबंध विकास की आवश्यकता क्या है महत्व क्या है। तो ये जो है परिसंपत्ति के रूप में है जिस प्रकार से व्यापार व्यवसाय उद्योग में संपत्तियों के माध्यम से हम लाभ अर्जित करते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है प्रबंध विकास जो है वो एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। ये उपक्रम की किसी भी परिसंपत्तियों की तुलना में उपक्रम के विकास प्रगति लाभों एवं शेयर मूल्यों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो ये इस प्रकार की संपत्ति है जिससे उपक्रम का विकास होता है उपक्रम की प्रगति होती है उपक्रम के लाभ में वृद्धि होती है और साथ ही जितने बेहतर प्रबंधक होते हैं बेहतर से बेहतर लाभ अर्जित करते हैं और वे अपनी कंपनी के अपने फर्म के शेयर मूल्यों को प्रभावित करते हैं। तो ये एक जो है महत्वपूर्ण परिसंपत्ति के रूप में है। दूसरा बिंदु जो इसमें है वो निम्न लागत परिव्यय के रूप
अब प्रबंध विकास में होने वाली जो है लागत क्या है, बहुत कम बैठती है, जबकि इससे उपक्रम को लाभ प्राप्त करने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। एक कर्मचारी का और प्रबंधकों का, सुपरवाइजरों को, मैनेजरों को जब हम प्रबंध विकास से संबंधित शिक्षण प्रदान करते हैं तो इसकी जो लागत है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन वहीं हम देखें कि जो लागत हमारी जितनी हो रही है उसकी तुलना में उससे जो बेनिफिट है, जो फायदा है, हमें वो लाभ की क्षमता जो है हमारी बहुत कहीं अधिक ज्यादा होती है। अतः यहाँ पर जो है व्यक्तियों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो इससे जो है इसकी लागत भले कम होती है, लेकिन जो जितनी भी लागत होती है उसकी तुलना में हमें कहीं बहुत ज्यादा जो है लाभ प्राप्त होता है। तो तीसरा बिंदु जो है उपक्रम की सफलता। अब किसी भी उपक्रम की सफलता जो है, वर्तमान सफलता जो है, वैज्ञानिक ढंग से अच्छे व्यक्तियों का चयन, जब भी हम किसी कार्य के लिए व्यक्तियों का चुनाव करते हैं, कर्मचारियों का चुनाव करते हैं, तो उनका चयन या चुनाव जो है वो वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्तियों का चयन, साथ ही उपयुक्त स्थान पर चयनित व्यक्तियों को लगाना, जो जिस व्यक्ति की जो योग्यता है वो व्यक्ति जो जिस प्रकार के बेहतर कार्य को कर सकता है उसी स्थान पर उसको नियत करना, उसे स्थान पर उसको लगाना, और अपेक्षाओं पर पूरे उतरने पर प्रबंध विकास अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है उपक्रम की सफलता जो है वो कर्मचारियों के प्रबंध विकास पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो है कर्मचारियों का डेवलपमेंट किया जाता है मानसिक रूप से, उनके ज्ञान, उनके कौशल में, फिर उनके अनुरूप वो व्यक्ति जहाँ पर कार्य के लिए उपयुक्त है उस कार्य पर उसको लगाना। तो यहाँ पर जो है प्रबंध विकास जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा बिंदु जो है इसमें आर्थिक विकास। ये प्रबंध विकास से एक उपक्रम के कर्मचारी की कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। प्रबंध विकास होने से एक कर्मचारी को का डेवलपमेंट होने से कर्मचारी की जो कार्य कुशलता है, जो उसकी कौशलता है, उसमें वृद्धि होती है, उसकी कार्य करने की कैपेसिटी भी क्या होती है, बढ़ती है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे उपक्रम को लाभप्रदता क्षमता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जब कर्मचारी को प्रॉपर प्रशिक्षण और शिक्षण प्राप्त होता है तो उससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जब उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तो उपक्रम को अधिक से अधिक लाभ होता है और उसकी जो लाभप्रदता क्षमता है वो क्या होती है, बढ़ती है। साथ ही अपव्यय में भी कमी, नुकसान, नुकसान में कमी। तो यहाँ पर जो नुकसान होते हैं या जो क्षति होती है उसमें भी क्या होता है, कमी होती है। तो इस प्रकार से जो है प्रबंध विकास विकासशील देश के लिए आधुनिक समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई। फिर इसके बाद है आधुनिक व्यवसाय का आधार। एक उपक्रम जो है अपने प्रबंधकीय कर्मचारियों के विकास पर यदि ढंग से ध्यान देता है तो गुणात्मक तौर पर वो अपने कर्मचारियों से अपने को बेहतर ढंग से तैयार करता है। यहाँ पर जो है एक उपक्रम के अंतर्गत यदि प्रबंधकीय कर्मचारियों का विकास यदि सही ढंग से किया जाता है तो वो गुणात्मक तौर पर, क्वालिटी बतौर जो है अपने कर्मचारियों को बेहतर ढंग से तैयार करता है, ताकि वो बेहतर ढंग से उत्पादन कर सके और बेहतर ढंग से जो है अधिक से अधिक मात्रा में फर्म कंपनी को लाभ हो सके। आज जो है जटिल व गत्यात्मक व्यवसाय के संचालन हेतु विशिष्टता प्राप्त एवं योग्य कर्मचारियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। आज का जो व्यवसाय है वो बहुत जटिल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। साथ ही जब भी कोई व्यवसाय स्थापित किया जाता तो उसकी जो है बैक पिछले वर्ष समय में उसकी क्या उपलब्धि रही, उसका लाभ कितना रहा, इन सब के को देखते हुए तो आज की स्थिति में जो है विशिष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो योग्य कर्मचारी हों, इनकी जो है हमें तेजी से आवश्यकता पड़ रही है। तो ये जो है आधुनिक व्यवसाय का आधार है। और छठवां बिंदु यहाँ पर है व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुकूल। यहाँ पर जो है प्रबंध विकास से कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च कार्य तैयार करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है प्रबंध विकास के माध्यम से
जो कंपनी के उच्च स्तर के कार्य हैं उनको तैयार करने का कर्मचारी को स्वयं के लिए मौका प्राप्त होता है तथा वह अपनी अधिकतम क्षमता के स्थान पर पहुंच जाता है, जिससे मानवीय पूंजी का, मानवीय संसाधनों का जो है कुशलतम उपयोग संभव हो जाता है। ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये प्रबंध विकास का महत्व है। और इसके बाद हम देखेंगे अंतिम यहाँ पर प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर, अंतर क्या क्या है दोनों में, प्रशिक्षण और विकास डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए चलाया जाता है। गैर प्रबंधकीय कर्मचारी से तात्पर्य जो है कि ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है जो कारखाने में काम करते हैं, जो उत्पादन से सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जो मशीनों में काम करते हैं, उनके लिए जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। वहीं जो विकास है यह प्रबंधकों के लिए होता है, इसे प्रबंध विकास भी कहा जाता है, क्योंकि विकास जो है वो मानसिक तौर पर जुड़ा हुआ है, कर्मचारी के मानसिक तौर पर जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर जो विकास की जो क्रिया है वो किसके लिए है, प्रबंधकों के। दूसरा अंतर जो है प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारी द्वारा प्राप्त ज्ञान व कौशल का विकास किया जाता है। एक कर्मचारी के अंदर जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी योग्यता है, जो उसकी कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, उसका विकास शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। जबकि विकास द्वारा जो है व्यक्ति की छिपी प्रबंध की योग्यता एवं गुणों का विकास किया जाता है, ये मानसिक तौर पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है विकास के द्वारा जो है एक व्यक्ति कितने बेहतर ढंग से जो उपक्रम के प्रबंध की संबंधी कार्य हैं उनको किस प्रकार से बेहतर ढंग से कर सकता है, उस संबंधित गुणों का विकास किया जाता है। फिर प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम निश्चित अवधि के लिए होता है, एक टाइम पीरियड होता है इसका, कि 5 दिन की कार्यशाला है प्रशिक्षण, या 1 हफ्ते की, या 10 दिन की, या 15 दिन की। ये प्रशिक्षण जो है एक निश्चित अवधि का होता है, जबकि विकास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये लगातार उपक्रम में चलती रहती है। फिर है प्रशिक्षण में कर्मचारियों को वर्तमान कार्य में ही पारंगत किया जाता है, अर्थात प्रशिक्षण उसी कार्य का दिया जाता है जिस कार्य को वर्तमान में हमें कराया जाना है, उसी का प्रशिक्षण दिया जाता है। जबकि विकास के अंतर्गत जो है प्रबंधकों को अधिक उत्तरदायित्व व चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया जो है विकास से जुड़ी हुई, ये निरंतर ही चलती रहती है, जिससे कि प्रबंधकों को अधिक उत्तरदायित्व और चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए आगे भी तैयार किया जाता रहे। जबकि यहाँ पर प्रशिक्षण जो है वो सिर्फ करंट के, वर्तमान के कार्य से जुड़ा हुआ है। फिर प्रशिक्षण जो है व्यक्ति व संगठन की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो वर्तमान के कार्य हैं, जो वर्तमान की आवश्यकता है, उसी से रिलेटेड उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रशिक्षण जो है वो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, जबकि विकास द्वारा जो है व्यक्ति व संगठन की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आगामी लंबे समय तक के लिए जो विकास है व्यक्ति और संगठन की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और अंत में यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा तकनीकी निपुणता व कौशल प्रदान किया जाता है, तकनीकी रूप से किस प्रकार से मशीनों को ऑपरेट करना, उत्पादन किस प्रकार से किया जाना है, इस संबंध में जो है प्रशिक्षण उन्हें प्रदान किया जाता है। जबकि विकास द्वारा जो है तकनीकी, मानवीय व वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर यह हमने देखा कि प्रशिक्षण एवं विकास में जो मुख्य मुख्य अंतर हैं के बारे में हमने यहाँ पर देखा।